इस खूबसूरत से गोभी का रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले गोभी, ये मैंडेटरी है। इसके बाद ऑनियन, पालक, ये मैंडेटरी नहीं है, आपके पास हो तो इसमें डाल सकते हैं बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो इसीलिए मैंने इसको मिला दिया है इसमें। एंड टोमेटो, एंड ये है आपका जिंजर, और मैंने गार्लिक को ऑनियन के साथ ही मिला दिया है। दैट्स इट, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ओके, हेलो 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 दर्शकों, वेलकम टू माय फूड ब्लॉग। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट, एंड मेरे सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को पता है कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ गोभी से, तो मैं गोभी का सब्जी बनाने जा रही हूँ। ओके, सो लेट्स गो टू द किचन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आपको सबसे पहले दो ऑनियन रख लेना है, एंड दो टोमेटो लेना है, एंड ये गार्लिक लेना है, एंड जिंजर लेना है। ओके, अच्छा, नाउ आपको गोभी लेना है, एंड गोभी का साइज शुड बी लाइक दिस। ओके, इट शुड नॉट बी द स्मॉल साइज ऑफ गोभी, कुछ है जो मेरे टूट चुके हैं लेकिन ना ये साइज होना चाहिए। एंड आप चाहें तो पालक डाल सकते हैं बिकॉज पालक इज गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए मैंने पालक का यूज किया है। और नहीं भी डालेंगे पालक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है दाल और सब्जी के साथ डालना, तो मैं हमेशा यूज करती हूँ। ओके, ओके गाइस, तो ये है मेरा जादुई अस्त्र जिसे मैं इंडिया से उठा के लाई थी, और ये बहुत ही यूज़फुल है किचन के लिए। इसमें आप ऑनियन एंड गार्लिक को एक साथ चॉप करके निकाल लीजिए, एंड देन उसके बाद आप टोमेटो को जिंजर के साथ चॉप करके बाहर निकाल लीजिए। ओके, सो एज यूजल मैं जिंजर को चॉप करना भूल चुकी हूँ यहाँ पे, और पालक भी है, उसको आपको नाइफ से काटना है। ओके, सो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनियन, पालक, जिंजर एंड टोमेटो इस तरह से कटे हुए हैं, एंड ऑनियन के साथ ही मैंने गार्लिक को भी मिला दिया है, तो इसीलिए आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा। तो ये पांच चीजें हमारे पास रेडी है, नाउ लेट्स गो टू द अदर साइड। ओके, सो द मेन पार्ट इज़ हियर, जिसमें आपको क्यूमिन सीड, क्लोव्स एंड तेज पत्ता, ब्लैक पेपर, इसके बाद सिनेमन स्टिक, जो भी आपके पास खड़ा साबुत मसाला है आप इसमें डाल सकते हैं। इट विल गिव यू द गुड फ्लेवर। ओके, सो द नाउ द टाइम फॉर द ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप मस्टर्ड या जो भी आप यूज़ करते हैं अपने घर में इसमें डाल सकते हैं। ओके, सो हियर सबसे पहले हम ऑनियन फ्राई करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट पालक, और उसके बाद हम टोमेटो सबसे लास्ट में फ्राई करेंगे। एंड इसको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट आपको ऐसे ही छोड़ना है ताकि ऑनियन पूरा ब्राउन हो जाए। देन उसके बाद आप उसमें पालक मिला दीजिए एंड टोमेटो मिला दीजिए। आपको 10 to 15 मिनट वेट करना पड़ेगा बिकॉज इंतजार का फल मीठा होता है, एंड आपको बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई करना है। जितना अच्छा फ्राई होगा उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ओके, सो हियर यू नीड टू मिक्स द टर्मरिक, कोरिएंडर एंड जीरा पाउडर, जो भी आपके पास है सब कुछ डाल दीजिए, सारे मसाले, एंड ऑफ कोर्स द चिली पाउडर आर फेवरेट, एंड द सॉल्ट। इस बार मैं सॉल्ट नहीं भूली हूँ। इसके बाद द मेन पार्ट इज़ कर्ड। आपको 1 स्पून कर्ड इसमें मिलाना है, एंड हल्का सा वाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और यही मिक्सचर आपको डालना है कुकर में। सो दिस इज़ द ट्विस्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, कि ये कुछ यूनिक है, और इससे हमेशा ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो बनता है। बेसिकली मसाले डाल के आप एटलीस्ट 10 मिनट तक इसको फ्राई कीजिए अच्छे से। ओके गाइस, सो नाउ आई एम थिंकिंग कि ये ऑलमोस्ट रेडी है मसाला। ओके, सो आफ्टर 10 to 15 मिनट आई थिंक आवर मसाला इज रेडी। मैंने जो गोभी कट किया था स्टार्टिंग में उसको लेना है और वन बाय वन बस ऐसे ही विदाउट फ्राई इसमें डालना है। ओके, ओके, सो कुकर अब बंद है और इसको 1 सीटी लगाने के बाद उतारना है और गैस पूरी तरह बंद कर देना है। उसके बाद सीटी अपने आप निकलने दें, देन उसके बाद इसमें धनिया, कोरिएंडर लीफ एंड गरम मसाला डाल सकते हैं। मसालों की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके पास जितने मसाले हों आप वो सब कुछ डाल सकते हैं। मेरे पास इतने ही अवेलेबल थे आज, तो मैंने इतने ही यूज़ किए, बट डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो मेरा सब्जी पूरा रेडी है। नाउ आपको इसमें कोरिएंडर लीफ डालना है, एंड ये कुछ एक्स्ट्रा है जो मेरे मम्मी हाथ का गरम मसाला है जिसको मैं 1.5 साल से चला रही हूँ। इस गरम मसाले को डालना है, ये जो टेस्ट होता है ना, माँ कसम, चार चांद लगा देता है।
मैं जब इंडिया जाऊंगी तो इसका गरम मसाला बनाने का तरीका मैं मम्मी से पूछ के और शायद उनसे बनवा के मैं वीडियो डालूंगी उसका, क्योंकि ये यूनिक गरम मसाला है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ घर पे ही बना सकते हैं आप। तो नाउ मेरा सब्जी रेडी है, आई शो द फाइनल लुक। और अब आप इसको रोटी, राइस, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। दिस इज़ रियली द गुड रेसिपी ऑफ कुकिंग। थैंक यू टू वॉचिंग मी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय।